क्या आप जानती हैं कि एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 10 में से हर 3 महिला घरेलू हिंसा का शिकार होती है? घरेलू हिंसा के कई प्रकार हैं। इसमें शारीरिक हिंसा, भावनात्मक हिंसा, आर्थिक हिंसा, सेक्सुअल हिंसा, ये सब कवर होते हैं। अगर आप भी घरेलू हिंसा की शिकार हैं, तो आप प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत अपने इलाके की महिला कोर्ट में जाकर ये कंप्लेन दर्ज करवा सकती हैं। 2005 के इस अधिनियम के अंतर्गत आप जिस भी इलाके में रहती हैं उस इलाके की महिला कोर्ट में आप दरवाज़ा खटखटा सकती हैं। कंप्लेन दर्ज करवाने के बाद कोर्ट एक प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट कर सकता है जो आपके घर आकर ही इस हिंसा की पूरी रिपोर्ट बनाएगा। इस अधिनियम के अंतर्गत अगर आप एक महिला हैं और आपके ऊपर हिंसा की जा रही है तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो रिश्ता क्या है, आपके ऊपर ससुराल में या अपने मायके में किसी भी प्रकार की हिंसा अगर हो रही है तो आप इस अधिनियम का फायदा उठा सकती हैं और महिला कोर्ट में जाके इसकी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। अपनी कंप्लेन दर्ज कराने के लिए आप चाहें तो किसी वकील की सहायता ले सकती हैं और चाहें तो ये कंप्लेन खुद भी बनाकर कोर्ट में दे सकती हैं। लेकिन अगर आप वकील करने में सक्षम नहीं हैं आर्थिक रूप से, तो आप चाहें तो कोर्ट से एक कानूनी सहायता करने के लिए अधिवक्ता की मांग कर सकती हैं। ऐसे में आपको वकील की फीस के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। आपकी कंप्लेन के बाद कोर्ट एक सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करेगा। वो सुरक्षा अधिकारी आपके घर आकर आपसे सारी रिपोर्ट डिटेल में लेकर बनाएगा और उस रिपोर्ट को कोर्ट में सबमिट करेगा। उसके बाद अगर आप चाहें तो कोर्ट आपको प्रोटेक्शन ऑर्डर दे सकता है। आप किसी भी धर्म से ताल्लुक रखती हों, घरेलू हिंसा कानून के अंतर्गत आप अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकती हैं। अगर कंप्लेन करने में आपको इस बात का डर लगता है कि उसके बाद आपको हो सकता है घर से निकाल दिया जाए, तो इसके लिए भी कोर्ट से आप अंतरिम आदेश ले सकती हैं, जिसमें कि आपको घर से ना निकालने के आदेश किए जाएंगे। अगर आप ये सोच के हिचकिचाती हैं कि कंप्लेन करने के बाद आपको आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है, तो इसके लिए भी कानून में प्रावधान है। आप चाहें तो कोर्ट से अंतरिम आदेश ले सकती हैं कि आपके पति आपको जब तक वो केस खत्म ना हो जाए या डिसाइड ना हो जाए तब तक के लिए गुजारा भत्ता हर महीने दें। अगर आप आर्थिक उत्पीड़न का सामना कर रही हैं तो आप कोर्ट में ये शिकायत दर्ज करते वक्त कोर्ट से ये मांग कर सकती हैं कि वो ज्वाइंट अकाउंट से आपके पति को कोई विड्रॉल ना करने दे या ज्वाइंट संपत्ति को ना बेचने दे। इन आदेशों का पालन ना होने पर 1 साल तक की सजा हो सकती है। हो सकता है आप तलाक नहीं लेना चाहती, तो घरेलू हिंसा में कंप्लेन करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने अपने पति से तलाक की मांग की है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपने खिलाफ होने वाली हिंसा को रोकना चाहती हैं और आप सिर्फ कोर्ट की इसमें सहायता मांग रही हैं। आप जानती ही होंगी कि मैरिटल रेप का मुद्दा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर सेक्सुअल अब्यूज यानी कि यौन उत्पीड़न को रिपोर्ट किया जा सकता है। अगर आप यौन उत्पीड़न की शिकायत करें तो कोर्ट ये आदेश दे सकता है कि आपका हस्बैंड आपसे कांटेक्ट ना करे या आप जिस घर में रह रही हो उस घर में ना आए, और यदि इस आदेश को वो की पालना ना हो तो कोर्ट उसे 1 साल तक की सजा दे सकता है।